हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? वेलकम टू प्रीतिस किचन। आज मैं आपके साथ बिना सूजी, बिना बेसन, बिना सिट्रिक यूज एसिड यूज किए हुए हम लोग ये सुपर सॉफ्ट दाल चावल का ढोकला बनाने जाने वाले, जो कि इतना इजी है ना, कोई भी बना लेगा। देखो कितना सुपर सॉफ्ट बना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 वाटी जितना दाल लिया हुआ था, मिक्स चने की दाल, उड़द की दाल और पीली वाली मूंग दाल रहती है ना वो, और 1 वाटी चावल। इन सभी चीजों को अच्छे से धो के 4 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। देखो अभी सभी चीजों को अपने को मिक्सचर जार में लेना है। थोड़ा सा दही डालना है 1 बड़ा वाटी जितना, और यहाँ पे हम लोग को ये खट्टा दही डालना है। अगर आपके पास खट्टा दही ना हो तो आप नींबू का इस्तेमाल थोड़ा सा कर सकते हो इसमें। और इसको निकाल लेंगे हम लोग, देखो बैटर को, और बैटर को दरदरा सा पीसना है, बारीक नहीं पीसना है। इसमें मैंने अदरक मिर्ची का पेस्ट डाला है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है। ये एकदम मार्केट स्टाइल ढोकला, लाइव ढोकला जो मिलता है ना वो बना रहे हैं हम लोग। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और सभी चीजों को अपने को अच्छे से एक ही डायरेक्शन में कम से कम 5 मिनट के लिए मिक्स करना है। बेसन का ढोकला तो क्या है, कई टाइम बिगड़ने का चांस रहता है, मगर ये ढोकला तो ऐसा है ना, ये बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं है। और कई लोगों को कैसे बेसन से वगैरह तकलीफ होती है ना, तो इससे तो कैसे, ये दाल चावल से ही बना हुआ है। थोड़ी सी हल्दी कम लग रही थी तो मैंने और डाल दिए, और दाल चावल का ये इंस्टेंट लाइव ढोकला है। गुजरात साइड वगैरह में जाओगे ना तो ऐसे लाइव ढोकला बहुत ही बिकते है और बहुत मिलते है। देखो मस्त बैटर हमने रेडी कर लिया है, 5 मिनट ही मिक्स करना है, ज्यादा नहीं मिक्स करना है अपने को। 5 मिनट के बाद देखोगे तो हमारा घोल अच्छा फ्लफी हो गया रहेगा। देखो और ये दाल चावल से आप तुरंत के तुरंत ढोकला बना सकते हो, और बाद में भी इतने सुपर सॉफ्ट ये ढोकले रहते हैं ना। देखो इसका बैटर मैंने अभी क्या किया है, जितना ढोकला बनाना है ना उतना ही बैटर अपने को अलग लेना है। सभी बैटर में अपने को पहले से कुछ नहीं प्रोसेस करना है। देखो फिर मैंने इनो डाला है, यहाँ पे इंस्टेंट ढोकला बना रहे इसीलिए अपने को इनो का इस्तेमाल करना जरूरी है। इनो डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स करके लेंगे, अच्छे से एक डायरेक्शन में मिक्स करके हो जाएगा ना। फिर एक थाली को मैंने ग्रीस करके लिया हुआ है तेल से, और फिर वो थाली अपने को इसमें बैटर डाल देना है सारा का सारा। एक साइज स्टीमर, जो भी आपके पास कढ़ाई है, जो भी है बर्तन रहेगा ना जिसमें ढोकला आपको स्टीम करना है, वो बर्तन में पानी गर्म करने भी अपने को रख देना है। देखो बैटर अच्छे से डाल के हो जाने के बाद अच्छे से अपने को ऐसे फैला लेना है। इतनी पतली थाली देखो मैंने बनाई हुई है, और बाद में जब ये फूलेगी ना तो और बढ़ जाएगा इसका साइज, इसीलिए ये पतला ही रहता है ये ढोकला, ज्यादा बड़ा नहीं होता ये ढोकला। देखो मोटा नहीं रहता ये ढोकला ज्यादा। ये देखो थोड़ा सा मिर्ची पाउडर हम लोग ने ऊपर से डाल दिया है, और मैंने बोला था ना जैसे आपको पानी मैंने स्टीमर में गर्म रख दिया है। देखो इसमें नींबू डाला है, कढ़ाई क्योंकि एल्यूमिनियम के है ना तो वो काली ना पड़े इसीलिए नींबू डाले है, और फिर ऐसे रख के इसको स्टीम कर लेना है अपने को कम से कम 12 से 13 मिनट, ज्यादा नहीं करना है कुक। 12 मिनट में तो इतना मस्त ढोकला रेडी हो जाएगा। इसके साथ खाने के लिए एक स्पेशल चटनी बना रही हूँ, ये मोरिंगा ड्रमस्टिक जिसे बोलते है ना, सहजन शिंग के पत्ते वो लिए उसकी चटनी में बना रही हूँ इसके साथ। साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिए थोड़ा सा पालक और थोड़ी सी हरा धनिया हम लोग डालेंगे। इतनी हेल्दी ये चटनी है ना, सहजन के पत्तों में आपको भी पता है कैल्शियम काफी सारा होता है। देखो फिर मैंने अदरक डाल दिए और मिर्ची डाल दिए, और फिर कड़ी पत्ता थोड़ा सा डाल दिया, कड़ी पत्ता भी कितना हेल्दी है। ये चटनी इतनी हेल्दी बनाएंगे ना हम लोग, पुदीना डाल दिया और हल्दी पाउडर, हल्दी जो रहती है ना ताजी हल्दी इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। भुने हुए जीरा डाल दिया मैंने, थोड़ा सा नमक डाल दिया। ये चटनी भी मेरे ख्याल से आपने कभी नहीं खाई रहेगी, एक बार जरूर ये चटनी बना के ट्राई करिए, इतनी हेल्दी टेस्टी ये चटनी बनती है ना। देखो अभी अपने 12 मिनट के बाद आप देखोगे तो हमारा ढोकला अच्छा स्टीम हो गया रहेगा। 10 से 12 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। एक चाकू की मदद से ऐसे डाल के चेक कर लेना है, देखो अच्छे से स्टीम हो गए, मतलब अपने को निकाल लेना है। अगर यहाँ पे आपको नई स्टीम लगे ना तो आपको और 2 मिनट जैसा होने देना है ढोकले को। देखो फिर हम लोग ने तड़का लगा देंगे, तो तड़के पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर दिया है और थोड़े से राई के दाने डाल दिए इसमें। अभी थोड़ा सा जीरा मैंने डाल दिया इसमें, और आप चाहिए तो विदाउट तड़का भी इसको गरम गरम खा सकते हो, मगर इसको तड़का लगाने से एक टेस्ट बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा तेल, राई, जीरा और कड़ी पत्ता डाल के, थोड़े से तिल डाल के एक तड़का डाल दिया है हम लोग इसपे।
ये देखिए अभी तड़के डाल देंगे हम लोग, थोड़ी सी हींग डाल दी है मैंने। अभी ये ढोकले पे सारा का सारा तड़का जब चटकने लगे ना राई, उसके बाद ये तड़का पूरा का पूरा हम लोग इसमें डाल देंगे ढोकले में। देखो चम्मच की मदद से डालेंगे तो आसानी से अपने को फैलाने जमेगा, इसीलिए अपने को ऐसे डालना है। फिर थोड़ा सा ढोकला ठंडा होगा ना, उसके बाद उसके पीसेस करने। कभी भी ढोकले को गरम गरम पीस कट करने नहीं जाना है, नहीं तो क्या होगा आपके ढोकले पके रहेंगे ना तो भी चाकू में चिपक जाएंगे, फिर आपको कच्चा कच्चापन लगेगा। देखो थोड़ा सा कोथमीर डालेंगे और फिर 2-5 मिनट जैसे टाइम हो जाएगा ना तो फिर इसको ऐसे कट करके लेंगे चाकू मदद से। और आप चाहिए तो ये ढोकले सुबह नाश्ते में खाओ, रात के डिनर में खाओ या फिर टिफिन बॉक्स में डालो, ऐसे सुपर सॉफ्ट ही रहते। चाहिए तो ट्रैवल वगैरह में भी लेके जाओगे ना तो ऐसे कैसे ये ढोकला रहता है। और चटनी भी इतनी हेल्दी, आपने देखा सहजन के पत्ते जिसको हम लोग ड्रमस्टिक बोलते हैं ना, शिंग शिंग के पत्ते डाले थे मैंने उसमें, और साथ ही साथ कच्ची हल्दी। देखो कितना मस्त ढोकला बना है, इसका पीस निकाल के बताती हूँ आपको। एकदम सुपर सॉफ्ट ढोकला आप फर्स्ट टाइम में ही बना दोगे, क्योंकि इसमें कुछ बिगड़ने का चांस है ही नहीं। देखो कितना मस्त बना है ना, आप भी एक बार जरूर ट्राई करिए। और एक बात, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं।